हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हमने कल भी व्यवस्था बनाई थी, लेकिन हमारी प्राथमिकता राहत बचाव कार्य थी। सीएम योगी ने कहा कि इस हादसे में करीब 121 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और एमपी से जुड़े हुए थे। इस कार्यक्रम में जो सज्जन अपना उपदेश देने आए थे, उनकी कथा संपन्न होने के बाद उनके मंच से उतरने पर उन्हें छूने के लिए महिलाओं का एक दल आगे बढ़ा, तभी उनके पीछे एक भीड़ गई। इसी दौरान वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए, साथ ही सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि इस पूरी घटनाक्रम के लिए एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की गई है, जिसने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार कई पहलू हैं जिन पर जांच होना आवश्यक है। के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टि हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, सांझापुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो